खबर रीवा से है, जहां नाबालिग छात्रा और प्राचार्य के वायरल हुए ऑडियो के मामले में न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को निर्देशित किया है कि उक्त मामले में पाक्सो के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराएं। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष ममता नरेंद्र सिंह और सदस्य सीमा श्रीवास्तव, रंजना शर्मा, लाल योगेंद्र सिंह और डॉक्टर केपी शर्मा ने कहा कि शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय के प्राचार्य द्वारा की गई उक्त घटना घोर निंदनीय है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने यह भी निर्देशित किया है कि आपके द्वारा उक्त मामले में कोई आवश्यक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आपके द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है जो कि कामकाजी हैं, जिसका उल्लेख महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम 2013 में किया गया है। न्यायपीठ ने यह भी कहा कि जांच समिति ने विद्यालय का नाम भी उजागर किया है, जिससे बालिका के पहचान उजागर होने की पूरी संभावना है। अतः बालिका के निजता और गोपनीयता को बनाए रखकर उक्त मामले की सूचना नजदीकी पुलिस थाने में अविलंब करवाएं। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माशा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।